अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमआर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया हुआ है रावलपिंडी संभाग के मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स का विजिट कराने का। टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स का विजिट भी कराया, जिसमें प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर्स और सीडीए हाउसिंग सेक्टर्स भी थे। आज आपको मैं टॉप सिटी का विजिट कराऊंगा। टॉप सिटी के पहले भी मैंने आपको टाइम टू टाइम विजिट कराता रहा हूँ, आज फिर आपको टॉप सिटी का एक विजिट कराता हूँ शॉर्ट सा। इस वक्त मैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ। ये भाई अगर आपको दिखाएं तो ये आपका श्रीनगर हाईवे है। जो ट्रैफिक आपका जा रहा है, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, जबकि इसके अपोजिट साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है, ये आपका इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रही है। इसके सेंटर में अगर भैया आपको ये दिखा दें तो ये आपका मेट्रो ट्रैक बना हुआ सारा, जो अभी हो गया आपका स्टार्ट हो गया। इसमें जो आपका मेट्रो ट्रैक के ऊपर जो मेट्रो स्टेशन है टॉप सिटी का, वो मेरे से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन वो अभी बना नहीं है। अभी आपकी मेट्रो जो है वो आपका G14 वाला जो लास्ट स्टेशन है, वहाँ से लेके आपका एयरपोर्ट तक, इसका कोई स्टेशन नहीं है, लास्ट इसका एयरपोर्ट है और देन आपका G14 है। सेंटर में इसका कोई आपका वो इंटरचेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसके तीन इंटरचेंज जो है वो आएंगे यहाँ पे। एक टॉप सिटी का है, एक मुमताज़ सिटी का है, देन आपका एयरपोर्ट है, और तीसरा आपका जो सेंटर में है वो उसका थोड़ा सा टाइम है, वो आपका 18 हाउसिंग सेक्टर्स के ऊपर जो है वो मेट्रो स्टेशन बनेगा। इस वक्त ये मेट्रो फुली ऑपरेशनल चल रही है, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट तक आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो टॉप सिटी का आपको विजिट कराता हूँ। ये टॉप सिटी की फ्रंट है जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर इसका फ्रंट है। इसकी बैक साइड जो है वो आपकी M2 मोटरवे के ऊपर टच कर रही है, वो भी अंदर जाके आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये भाई अगर आपको दिखाएं तो ये आपका टॉप सिटी की एंट्रेंस है, सामने आप इसके देख सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर आपको अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स वगैरह वो यहाँ पे मिल जाते हैं, होटल्स वगैरह आपके यहाँ पे आ रहे हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे जी मिल रही है। ये टॉप सिटी के एंट्रेंस है, यहाँ से आप टॉप सिटी में जो है वो एंटर हो जाएंगे। इस वक्त मैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं टॉप सिटी का जो है वो मेन बुलेवार्ड है। मेरे लेफ्ट साइड पर अगर भाई आपको दिखाएं तो आपका सेक्टर बी चल रहा है सारा। ये आपका सारा सेक्टर बी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी तादाद में जो है वो घर बने हुए हैं। अगर भाई थोड़ा जूम करके दिखाएं तो आपको एक मस्जिद भी बनी हुई नज़र आ रही होगी, इसके साथ जो है आपको काफ़ी घर जो है वो सारे बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसका सेक्टर बी चल रहा है, जबकि मेरे राइट साइड पे अगर भाई आ जाएं तो यहाँ पे आपको सेक्टर ए मिलता है। ये इसका सारा सेक्टर ए चल रहा है, यहाँ पर भी टूल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में जो है वो यहाँ पर घर बने हुए हैं। टॉप सिटी में अगर यहाँ पर सेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आलमोस्ट 7 to 8 सेक्टर हैं, A, B, C, D, E, F, G। और यहाँ पे अगर प्लॉट्स की कटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 5-10 मरला कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल और फार्म हाउसेस के प्लॉट्स भी हैं, वो आपके सेक्टर जी की कुछ जगहों पे आ रहे हैं, वो भी 5 कनाल और 7 कनाल के वो फार्म हाउसेस के प्लॉट्स हैं। इसकी दो इंट्रेंस हैं, एक से जहाँ से हम अभी इंटर हुए, एक वो इसकी इंट्रेंस है, दूसरी इंट्रेंस मैं आपको जाके दिखाता हूँ। वो आपका जो M2 मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज बना हुआ है मोटरवे एयरपोर्ट का, वहाँ से आप अगर एग्जिट लें तो आपको वहाँ से भी टॉप सिटी की एक्सेस मिल जाती है, वो भी आपको इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा वो भी दिखा दूँ। तो जी आप देख सकते हैं टॉप सिटी का राउंड अबाउट है, यहाँ पे टोटली जो है आपको कमर्शियल एरिया मिलता है, सारा कमर्शियल है यहाँ पे, आपको इंस्टॉलमेंट पे शॉप, ऑफिस, फ्लैट्स वगैरह वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जबकि मेरे राइट साइड पर अगर भाई आपको दिखा, लेफ्ट साइड पर अगर भाई आपको दिखाएँ तो जी आपका जो है वो सारा सेक्टर सी चल रहा है। जी नीचे सारा आपका सेक्टर सी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फुली जो है यहाँ पे घर जो है वो बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे चल रही है। तो एक बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तमाम फैसिलिटीज़ आप रोड के ऊपर देख सकते हैं, आपको फुली मेंटेन इसका रोड मिल रहा है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, स्कूल यहाँ पर मौजूद है, बैंक्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, आपके मॉट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही है। मेट्रो ट्रैक की वजह से यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई, लोगों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हुई। सबसे बड़ा इसका जो प्रॉफिट है वो ये है कि आपका श्रीनगर हाईवे के ऊपर इसकी एंट्रेंस है, दूसरा आपका जो प्लस पॉइंट है वो आपका M2 मोटरवे के ऊपर भी इसकी एंट्रेंस मौजूद है। तो एक बेहतरीन लोकेशन है टॉप सिटी की, आपको फुली ऑपरेशनल यहाँ पे सेक्टर्स घर मिलते हैं, आप बने बनाए घर भी ले सकते हैं, और अगर आप प्लॉट लेके घर बनाना चाहें तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मौजूद है। ये भाई अगर आपको दिख रहे हैं सामने, तो ये हम इस वक्त आपको सेक्टर ए का विजिट करा रहे हैं। ये सेक्टर ए का जो है वो बुलेवार्ड है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिलीज भी यहाँ पे रह रही हैं। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है टॉप सिटी का, वो इसका यहाँ पे गैस का ना होना है, यहाँ पे अभी गैस नहीं है, पानी बिजली आपको मिल जाती है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई भी यहाँ पे आपको आती है, गैस का यहाँ पे इशू है, इंशाल्लाह वो भी इन फ्यूचर आपका गैस का इशू जो है वो भी क्लियर हो जाएगा।
तो जी आपका सारा टॉप सिटी का सेक्टर यही चल रहा है। अगर भाई सामने आपको थोड़ा सा दिखाएं तो ये जो सामने आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है, जी आपका श्रीनगर हाईवे चल रहा है जो टूवर्ड आपका एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपका सारा श्रीनगर हाईवे, अभी आपको इसके फर्दर सेक्टर्स का विजिट कराते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे एक सेक्टर ए की किसी गली का भी विजिट करा दें। 40 फुट की इसकी गली है, आपको फुटपाथ उसके साथ मिल जाता है। 40 फुट के अलावा है, अगर फुटपाथ डालें तो वो आपके अराउंड 50-60 फुट की गली बन जाती है। इसके साथ आपको पार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जिस तरह मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ वो बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ सारी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। फैमिली यहाँ पे कुछ घरों में जो है वो यहाँ पे रह भी रही है। आप देखें जी सामने, आप अगर घर देखें सारे तो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पे फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्टेड भी है। अगर भाई थोड़ा सा जूम करके आपको ये गली भी एक दिखा दें तो जी आप सेक्टर ए की गली देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तमाम फुटपाथ यहाँ पे मेंटेन है। प्लांटेशन मेरे लेफ्ट साइड पे अगर भाई आपको दिखाएं तो जी आप यहाँ पे इसकी प्लांटेशंस वगैरह वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटी भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो यहाँ पे चल रही है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास अगर आप यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं टॉप सिटी में, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास टॉप सिटी का। एक बेहतरीन ऑप्शन है आपका श्रीनगर हाईवे के ऊपर भी आ गया। श्रीनगर हाईवे से डायरेक्ट एक्सेस इसको मिल गई, आपका मोटरवे से इसकी अप्रोच है, मेट्रो ट्रैक इसके बिल्कुल करीब है, आपका स्कूल यहाँ पे आ गया, कमर्शियल एक्टिविटी जिस तरह आपको मैंने ये सारा दिखाया, ये प्लाजे वगैरह यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो यहाँ पे हाइट्स वगैरह वो बन रही है। तो बेहतरीन ऑप्शन है। इस्लामाबाद से हार्डली आपका 10 से 15 मिनट की ड्राइव है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो गया। अब आपका वैसे ही श्रीनगर हाईवे सारा कोई सिग्नल नहीं है उसके ऊपर, तो आप 10 से 15 मिनट में टॉप सिटी से ब्लू एरिया या अपारा की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो बेहतरीन एक ऑप्शन आपके लिए टॉप सिटी है। ये तमाम चीज़ें आज आपको मैं टॉप सिटी का विजिट करा रहा हूँ। अभी इसका नॉन पॉल्यूशन एरिया थोड़ा सा है, वो भी आपको लेके चलता हूँ, वो भी आपको विजिट करा देता हूँ थोड़ा सा। और एयरपोर्ट की अगर बात करूँ तो वो हार्डली यहाँ से 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर एयरपोर्ट है आपका। 1.5-2 किलोमीटर की ड्राइव है, 1.5-2 किलोमीटर है, 3 से 4 मिनट आपके एयरपोर्ट को लग जाते हैं जी। वो जो है टॉप सिटी का आपको मैं सारा विजिट करा रहा हूँ। इस वक्त मैं जो हूँ वो श्रीनगर हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ जो टूवर्ड आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जो है वो मूव कर रही है जी। अगर आप देखें तो जी आपका सारा मेट्रो ट्रैक बना हुआ जहाँ से मेट्रो जो है आपका फुली ऑपरेशनल है, जिस तरह मैंने पहले बताया आपका एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पे लास्ट स्टेशन जो है वो एयरपोर्ट है आपका। अगर लेफ्ट साइड पे भाई चले जाएं तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये सारा आपका टॉप सिटी का नॉन पॉल्यूशन एरिया है फिलहाल जो यहाँ पे बन रहा है। अभी आपको यहाँ पे इसका सारा नॉन पॉल्यूशन एरिया दिखा देता हूँ। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये इसका सारा नॉन पॉल्यूशन एरिया चल रहा है जी। भाई अगर आपको दिखाएं तो एयरपोर्ट जो है यहाँ से 2 किलोमीटर आपके बिल्कुल साथ ही एयरपोर्ट आ गया। लेफ्ट साइड में सारा आपका जो है आप देख सकते हैं टॉप सिटी के फ्लैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं। नॉन पोजेशन एरिया है लेकिन फिर भी आप देखेंगे इन्होंने सारी लैंड जो है उसको सीधा कर दिया, सॉलिड लैंड हो गई तकरीबन आपका, देख सकते हैं लेवल कर दिए अपनी इन्होंने। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगा दी, मेट्रो ट्रैक आपका फुली ऑपरेशनल आ गया, एयरपोर्ट 2 किलोमीटर आ गया। यहाँ से आपको दूसरी एक्सेस आपको आ रही है जो आपका M2 मोटरवे की तरफ से यहाँ से आ रही है। यहाँ पे आपका कहीं पे रावलपिंडी रिंग रोड भी आगे टच करेगा इसी टॉप सिटी को, और यहाँ से वो फिर आगे से जाने की तरफ जो है वो मूव कर रहा होगा। अगर लेफ्ट साइड में भाई अगर आपको दिखाएं तो नीचे की तरफ जो आपको रोड नज़र आ रही है ये आपका M2 मोटरवे की तरफ से रोड आ रही है। यहाँ से आप इन फ्यूचर टॉप सिटी को जो है वो एक्सेस करेंगे। टॉप सिटी वाला भी जो है वो यहाँ पे रोड बना रहे हैं, गेट बना रहे हैं, इन फ्यूचर आपको यहाँ से भी एक्सेस मिल जाएगी। तो जी आपका सारा टॉप सिटी चल रहा है। अगर भाई सामने आपको दिखाएं तो जी आपके सामने सारी एयरपोर्ट की लैंड आ गई है जो आप देख सकते हैं हसकोल वगैरह, और सामने एयरपोर्ट की आपको भाई थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी जो है वो नज़र आ रही होगी। तो सामने आपका एयरपोर्ट का एंट्रेंस भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें आज आपको मैंने टॉप सिटी का विजिट कराया। अगर टॉप सिटी में प्लॉट की प्राइसेस की बात करूँ तो टॉप सिटी में 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपको अराउंड 65 to 78 तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। इसके साथ अगर 10 मरला प्लॉट की बात करूँ तो 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपका 1.20 करोड़ से स्टार्ट हो गए, 1.50-1.60 करोड़ रुपये तक आपका 10 मरले का प्लॉट चलता है। कनाल की बात करें तो वो आपका 2.25 करोड़ से स्टार्ट हो गए, 2.5-3 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपका कनाल का प्लॉट चल रहा है जी। जो मैंने आपको प्लॉट की जो डिटेल्स दी हैं ये डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन और प्लॉट की कंडीशन पे। कुछ अच्छे प्लॉट होते हैं बुलेवार्ड के, कॉर्नर फ्रंट ओपन, इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। निस्बतन जो दूसरे प्लॉट्स हैं गली में आ रहे हैं, डाउन प्लॉट्स हैं, लेवल नहीं है या
कब्रिस्तान फेसिंग है या इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े से मार्केट रेट पे कम आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग टू एंड कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे एंड हो रहे हैं, इसके बीच में जो है वो आपका वो चल रहा है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाज भी आपका लैंड हो रहा है टॉप सिटी के ऊपर से। भाई अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें तो जी आपको मैंने आपको टॉप सिटी का थोड़ा सा विजिट कराया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं वो इजीली आप तक पहुंचती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिर्ज़ा रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।